हाँ वो यहाँ से चलेंगे। देखिए मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे SIT बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं है जी। सर आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे? सर सर पुलिस के रवैये को As he heard, Chetty, as he heard from Rahul Gandhi, he is saying that he will not bust from this place. He is not going to go back. This is what he is saying. He wants to meet the family at any cost. You can see the cops are trying to stop him here. पैदल क्या जाएंगे आप लोग? हाथ कस तक पैदल जाएंगे? मैं यूपी के लॉर्ड मैम बाहर तक जाएंगे ऐसे? भैया रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा मैं परिवार तक पहुंचूंगा। पूछा गया कि क्या पैदल जाएंगे, कहा मैं परिवार तक पहुंचूंगा, भले ही वहां पर 144 लगाई गई है, मुझे अकेले जाने दिया जाए, मैं किसी को साथ नहीं लेकर जाऊंगा, अकेले जाया जा सकता है। साथ ही साथ तमाम रूल्स और रेगुलेशन को समझाते हुए राहुल गांधी पत्रकारों से बात की। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो बार बार ये कह रही हैं कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, राहुल प्रियंका दोनों ही हाथरस की तरफ कूच करते हुए एक्सप्रेस वे पर रोका गया ये काफिला, लेकिन उसके बाद दोनों गाड़ी से उतरे और पैदल हाथरस की तरफ कूच कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे रोक नहीं सकता कोई भी, मैं पैदल जाऊंगा, परिवार से मुलाकात करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका कह रही है कि ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित रहें। 11 मामले रेप के हर दिन सामने आ रहे हैं, सरकार को जगाना है और इसीलिए ये मार्च भी जरूरी है, विरोध भी जरूरी है और परिवार से मुलाकात करनी भी जरूरी है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर वहां धारा 144 लगी है तो मैं अकेले जाऊंगा, मुझे अकेले जाने की इजाजत दी जाए। दूरी बना के रखिए भैया, आगे आगे चलो। तो हाथरस के रास्ते में लगातार आप सुन सकते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, क्योंकि अनाउंसमेंट्स भी यहां पर हो रहे हैं कि दूरी बनाकर रखिए, साथ साथ मत आइए, एक साथ मत चलिए, दूरी बनाते हुए आगे चलिए। लेकिन किस तरीके से DND की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर किसी तरह की कोई दूरी नहीं थी, वहां पर किसी कोविड की गाइडलाइंस को कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा था, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। लेकिन यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि ये भी दिखाया जाए कि कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए हाथरस की तरफ एक्सप्रेसवे का ये रास्ता, जिसमें राहुल प्रियंका दोनों को रोका गया, काफिले को गाड़ी से उतरे और पैदल हाथरस की तरफ। राहुल ने कहा कि ठीक है, अगर वहां धारा 144 लगी है तो मुझे अकेले जाने दिया जाए, अकेले जाने की इजाजत होनी चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, परिवार से मुलाकात करके रहूंगा। प्रियंका ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल और प्रियंका दोनों एक्सप्रेसवे पर और काफिला आगे बढ़ता हुआ। प्रियंका ने पत्रकारों के जवाब में, सवालों के जवाब में यह भी कहा था कि ज्यादा मत बुलवाइए क्योंकि मुझे तो 100 किलोमीटर तक चलना है। इरादा साफ था, दिखा दिया था कि पैदल ही चलेंगे, वहां तक पहुंच के रहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या पहुंच पाएंगे या नहीं। दिल्ली से हाथरस और निर्भया का ये सियासी हाकर, निर्भया पर सियासी हाकर हाथरस पहुंचेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच लगातार कार्यकर्ता, बड़े नेता राहुल प्रियंका दोनों के साथ साथ चल रहे हैं, SPG सुरक्षा के घेरे के बीच में अनाउंसमेंट्स के साथ कि दूरी बनाकर रखिए। पूरे रास्ते में उन्होंने 144 लगा दी ताकि ये लोग, पूरा प्रयास है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां न पहुंच पाए। राजीव शुक्ला जो बता रहे थे कि पूरे रास्ते में 144 लगा दी गई है ताकि हम ना पहुंच पाए, रोकने की कोशिश हो रही है। यही सवाल राहुल गांधी से किए गए कि क्या आपको रोकने की कोशिश हो रही है, जवाब सीधा था कि अगर 144 लगाई है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, मुझे अकेले जाने दिया जाए। प्रियंका ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला, कहा कि रोकने की कोशिश हो रही है,
प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले, सरकार को जागना होगा और इसीलिए सड़कों पर हैं। प्रियंका ने इस बात का हवाला भी दिया कि मैं एक महिला हूं, मेरी 18 साल की बेटी है, डर लगता है इस तरह की बातें, इस तरह की वारदातों को सुनकर, और इसीलिए सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और अब पहुंचेंगे हाथरस परिवार का दुख दर्द साझा करना। इससे पहले आपने सुना था किस तरीके से तमाम जो यूपी के कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि परिवार का दुख साझा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम किसी से इजाजत नहीं लेंगे, हम जाएंगे वहां पर। डीएनडी पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और वहीं से राहुल और प्रियंका का ये काफिला निकला, वहां तो रोका नहीं, लेकिन एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों से नीचे उतरे राहुल प्रियंका और फिर उसके बाद पैदल हाथरस की तरफ कूच करते हुए, जिसमें दोनों ये बात बता रहे हैं कि धारा 144 पूरे रास्ते में लगा दी गई है, ठीक है अकेले जाएंगे लेकिन सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हुए अकेले जाएंगे, पर बड़ा सवाल ये कि क्या पहुंचेंगे या नहीं। और इस बीच आज दोपहर सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। यूपी सरकार के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और उन्होंने कहा था कि सियासत इस मामले को लेकर हो रही है, राहुल और प्रियंका सिर्फ और सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं। दूरी बना के रखिए भैया, आगे आगे चलो, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये भी बात उन्होंने कही थी, कहा था कि किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। राहुल और प्रियंका इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूद है दोनों लोग और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हाथरस की तरफ, लेकिन क्या पहुंचेंगे पीड़ित परिवार तक। और वहां से दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि SIT घर पर है परिवार के साथ, अब सवाल जवाब हो रहे हैं क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है। और इस बीच कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी झड़प हुई है, वो भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। ये वही तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, रोकने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लाठियां बरसाई। एक्सप्रेसवे की तस्वीरें एक एक कर, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार उग्र होता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए यूपी पुलिस वहां पर मौजूद है, रोकने की कोशिश की गई। 3 तस्वीरें, प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हुई, वहीं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। झड़प हुई है पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका के काफिले को रोका गया, पैदल चलने लगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो कि साथ ही साथ चल रहे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। ये वो तस्वीरें, मुझे जाने से नहीं रोक पाएंगे, राहुल गांधी ने ये बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं परिवार तक पहुंच के रहूंगा। तो तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या खबर आ रही है वहां से अभी? अशोक सिंघल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या खबर वहां से? मैडम ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता, कभी जल्दी से मैसेज आप नहीं आई। और आप तो उसका भी खराब। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार जुड़ा है क्योंकि काफिले के साथ साथ अशोक चल रहा है। अशोक, क्या हुआ वहां पर, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं रोकने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। अशोक सिंघल, यूपी पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। अशोक सिंघल, कुछ सेकंड, अशोक सिंघल मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। अशोक सिंघल, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अशोक सिंघल, जी जी जी, आ रही है। जी जी जी, बताइए क्या तस्वीर वहां की? यहां पे एक्सप्रेस वे पे प्रियंका, राहुल और कांग्रेस नेताओं को रोका गया है। हमारे साथ मौजूद है रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप जी, आपको आगे जाने दिया जा रहा है, कहा जा रहा है 144 लगी हुई है धारा, वहाँ पे हाथरस जाने की पाबंदी है। आदित्यनाथ सरकार पागल हो चुकी है, अनाचारी और अत्याचारी बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और बेटियों को न्याय देने की गुहार करने वाले राहुल जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई जा रही हैं। राहुल गांधी को लाठियों से पीटा जा रहा है। आदित्यनाथ जी, अहंकार की प्रकाष्ठा तो रावण की भी टूटी थी, योगी आदित्यनाथ की भी टूटेगी।
तो आप कैसे जाएंगे जब जाने नहीं दिया जा रहा है प्रियंका राहुल यहीं पे बिल्कुल ठीक सामने, कैसे आप लोग आदर्श पीड़िता के परिवार से? हम आगे जाने के लिए कटिबद्ध हैं, जब तक हमारी बेटी को एक गरीब वाल्मीकि दलित परिवार की बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी और कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। अनाचारी अत्याचारियों और बलात्कारियों के संरक्षण देने वाली आदित्यनाथ सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जब योगी डरता है क्या क्या बलात्कार राजनीति है? योगी आदित्यनाथ जी, आपके तो बेटा या बेटी है नहीं, इसलिए आपको दर्द नहीं पता। रात को बेटी का संस्कार कर दिया जाए, हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध कर दिया जाए, आप अपने आप को योगी कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। तो देख सकते हैं ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला और यहाँ पे ठीक मेरे पीछे प्रियंका राहुल, यहाँ पे उनको रोका गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा और उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा घेरा बना रखा है, प्रियंका राहुल यहाँ मौजूद, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में आपको देखेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ पे खड़ी हुई है और किसी को आगे जा रहे हैं, राहुल और प्रियंका दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। राजीव शुक्ला भी यहाँ पे मौजूद हैं। राजीव जी आगे जाने नहीं दिया जा रहा, आप लोग कैसे करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे लेकिन जो दमनकारी नीतियां हैं उसमें लोगों को नहीं जाने दे रहे। राहुल जी और प्रियंका जी पैदल चल के वहां जाना चाहते लेकिन दमनकारी नीति सरकार की पुलिस की नहीं जाने दे रहे, तो हम दमनकारी नीति आगे नहीं जाने दे रहे। पूरे रास्ते में धारा 144 लगा दी गई। अशोक सिंगल जिनके साथ अभी जो बात कर रहे थे राजीव शुक्ला से भी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां पर रास्ते में ही रोक लिया गया पहली बात काफिले को, पैदल चलने लगे आगे तो कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, पुलिस और कार्यकर्ताओं दोनों की झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ। इस बीच तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो आरोप लगा रहे हैं कि दमनकारी नीतियां हैं, योगी सरकार की, रोका जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को लीडर्स का काफिला रोका गया, हाथरस की तरफ कूच कर रहे थे, रास्ते में ही रोक लिया गया है। ये तस्वीरें वहीं से सामने राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगा पीड़ित परिवार के पास पहुंचूंगा। धारा 144 लगाई गई है लेकिन बावजूद इसके मुझे अकेले जाने की इजाजत दी जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच में राहुल और प्रियंका, आसपास कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और इस बीच इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से। धारा 144 पूरे रास्ते में कोशिश ये की जा रही है कि अब यहाँ से कम ये काफिला आगे ना बढ़े। पहले जीएनडी पर रोकने की कोशिश की गई, वहां से पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ एक्सप्रेसवे पहुंचा और वहां पर काफिले को रोका गया। प्रियंका राहुल दोनों पैदल ही कूच कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं के साथ ये झड़प और वो तस्वीरें, और अब कोशिश ये कि यहां से कम आगे ना बढ़ पाए। पैदल चलता हुआ एक्चुअली, आप सभी ध्यान दें, दो मिनट पुलिस प्रशासन की बात सुने, दो मिनट बात सुने, बसेस लग गई हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अब आप शांति से उनमें बैठे और प्रस्थान करें। कहाँ प्रस्थान करा? लाठियां क्यों चलाई हम पर? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी चलाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जंगल राज के खिलाफ गिरफ्तारी देने को आए, और या आप हमें जाने दीजिए शांति प्रिय तरीके से और या गिरफ्तार करिए, अब ये पुलिस की मर्जी। सर 144 सीआरपीसी लागू है, प्लीज आपसे निवेदन है, कोविड क्राइसिस चल रहा है, 144 सीआरपीसी लागू है, आगे जाने नहीं। सॉरी ब्रदर, सॉरी। पहली राहुल गांधी जी अकेले जाने के लिए भी तैयार हैं, उन पर 144 लागू नहीं होते, इसलिए अकेले राहुल जी को जाने दीजिए, वो अकेले पैदल चलकर हाथरस जाने को तैयार। हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा, 144 उस पर नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए।
सर इस एपिडेमिक में इस राहुल गांधी राहुल गांधी एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अकेले चलने दीजिए, प्यार से मैं जाऊंगा। तो फिर आप मुझे बताओ, आप 144 मेरे पे राहुल गांधी कौन करे, माइक ऑन करो, माइक ऑन कर दिया जाए, माइक ऑन करो, ये साजिश है, माइक ऑन करो। यार क्या कर रहे हो, राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कटिबड़ा मारने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, समर्थन है आपका हर तरीके से। जसिंद्रा हम आपके साथ है, आखिरी दम तक लड़ेंगे सर, आप पीछे हो जाओ ना, हमें बाइक लेना है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अरे सर कहाँ जा रहे हो, अरे रुको यार, अरे यार किस धारा में आप मुझे अरेस्ट करें, मैं अकेला जाना चाहता। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय, ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, हाथरस को जाने वाला रास्ता, जहां कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जाना चाहता है हाथरस, लेकिन यूपी पुलिस ने रास्ते में रोक दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ये कह रहे हैं कि अगर कोविड प्रोटोकॉल है, अगर प्रशासन इस वजह से नहीं जाने दे रहा कि पैंडेमिक में भीड़ नहीं जुट सकती, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अकेले जाने दिया जाए, कह रहे हैं कि अकेले पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन जाने की अनुमति दे। पहले डीएनडी हाईवे पर और उसके बाद डीएनडी एक्सप्रेसवे पर और उसके बाद ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर काफिला रोक दिया गया कांग्रेस नेताओं का। राहुल और प्रियंका का कहना कि हाथरस जाकर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल लगातार साथ साथ बने हुए हैं, अपडेट वहां से कर रहे हैं। अशोक कहां पहुंचा है ये काफिला और क्या हो रहा है? देखिए परी चौक के ठीक आगे एक्सप्रेसवे पे रोका गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मेरे कैमरामैन अश्विनी हेलन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, धारा 144 लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास बसें हैं, आप उसमें आपको छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, पीसफुल तरीके से जाएंगे, हमको जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस ने उनको रोका हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला है, राजीव शुक्ला है, तमाम नेता उनके साथ मौजूद है। प्रियंका और राहुल यहाँ खड़ी हुई है, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं अश्विनी, और यहाँ पे दोनों प्रियंका और राहुल को काफी देर से यहीं पे रोका हुआ है। पुलिस कह रही है हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, जबकि राहुल गांधी का कहना है मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, अगर धारा 144 लगी है पीसफुल तरीके से मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, अनाउंसमेंट भी की गई थी कि धारा 144 लगी है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का ये फैसला कि राहुल गांधी अकेले चले जाएंगे अगर धारा 144 है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने यहीं पे रोका हुआ है और कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ मौजूद है एक्सप्रेस वे पे परी चौक के पास, इनको सबको रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे कार्यकर्ता तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे अश्विनी कि इस ढंग से पुलिस ने यहां पर घेराबंदी की हुई है और तमाम अफसर यहां पर मौजूद हैं। बार बार यही कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि वो अकेले जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पे पुलिस की पूरी नाकेबंदी की हुई है, बसें यहां पे लगा दी गई हैं ताकि बसों में बिठा बिठा के यहां से सबको बाहर पहुंचाया जाए, क्योंकि नोएडा में वो नोएडा से आगे नहीं निकलने देना चाहते हैं। हाथरस जाने पर पाबंदी लगा दी गई है कि धारा 144 लगी है, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि वो अकेले जाएंगे। ये आना इधर गलत है,
तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, अशोक सिंघल वहां से लाइव आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे परिचौक के नजदीक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को रोक लिया गया, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है और कांग्रेस के नेताओं को आगे जाने की अनुमति नहीं है। कहा गया कि धारा 144 लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना कि राहुल गांधी अकेले पैदल जाने को तैयार हैं, उन्हें अकेले जाने की अनुमति दी जाए। अगर धारा 144 की वजह से उन्हें रोका जा रहा है तो वो धारा 144 का सम्मान करते हुए अकेले पैदल जाने को तैयार हैं। ये कहना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, साथ में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए उनको जाने की अनुमति दी जाए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इसी समय की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि हंगामा एक तरीके का मचा है वहां पर। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता भी राहुल और प्रियंका के साथ इस वक्त हैं। और आरोप यह भी लगाया गया कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी से पुलिस ने धक्का मुक्की भी की है। वैसे आपको बता दें करीब 118 किलोमीटर है वहां से हाथरस, जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पैदल अगर चले तो 24 घंटे का वक्त लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा, मुझे वहां जाने दिया जाए। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां से लगातार अपडेट कर रहे हैं। अशोक, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, भाग दौड़ हुई है, काफी हंगामा हुआ है, क्या कुछ हुआ है वहां पर? जी थोड़ा एक्शन यहाँ पे रोहित लग रहा है, क्योंकि लेडीज पुलिस को आगे बुलाया गया है प्रियंका गांधी की वजह से। कुछ एक्शन करने की तैयारी में लग रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस इस बात पे अड़ी है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, धारा 144 लगी है, बसें तैयार हैं, पीछे बसें काफी तादाद में यहाँ रोकी खड़ी की गई है। रोहित, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ का एक एक चीज, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस ढंग से पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है। रास्ते में कोई जा नहीं सकता है, बसें खड़ी हुई हैं, इन बसों में पुलिस कह रही है कि आपको लेके बिठा के हम लोग बाहर छोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे प्रियंका और राहुल खड़े हुए हैं और कांग्रेस के दूसरे नेता खड़े हैं, यहाँ पर अभी लेडीज पुलिस को आगे बुलाया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है, क्योंकि पुलिस बार बार यही कह रही है उनको कि हम आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे धारा 144 के चलते। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का यही कहना है कि राहुल गांधी को जाने दिया जाए, वो अकेले चले जाएंगे पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी सामने दिखाई दे रही है और लेडीज पुलिस भी उनसे बात कर रही है, उनको कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां से जाएं, यहां पे ठीक नहीं है खड़ा होना, धारा 144 लगी है। थोड़ा बार बार कन्विंस कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा। हम पुलिस के 188 बट समझाइए क्या है, एनी लॉ, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है, नहीं कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है ये तो बता दो। भाई भाई मुझे एक सेकंड भैया, भैया कैमरा लाओ, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए, थैंक यू। देखिए मैं, आप मुझे अरेस्ट करने हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको बताए सर, बताइए, समझा देंगे, आपसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है, 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है, 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 144 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर, ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के सर, नहीं सर, ये आपके लोग है सर, सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो, मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है, देश माफ नहीं करेगा आपको, आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए? जो लाठी हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूटा है, इस वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे परिचौक के नजदीक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोक लिया गया, हाथरस जाना चाहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन यूपी पुलिस ने रोक लिया, ये कहते हुए कि धारा 144 लगी है, पेंडेमिक में आप लोगों को इस तरीके से जाने की अनुमति नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले पैदल जाने को तैयार हूं, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, उसमें धारा 144 का उल्लंघन भी नहीं होगा और पेंडेमिक में अकेले जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। अभी जो परिस्थिति वहां पर है, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस
अब कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल किया कि आप मुझे किस धारा के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, किस नियम के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, मीडिया को इस बारे में जानकारी दी जाए। सर थोड़ा सा पीछे। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां से लाइव हमें जानकारी देने, लगातार अपडेट कर रहे हैं। अशोक सिंघल तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के अन्य नेताओं और यूपी के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच इस वक्त बहस चल रही है एक तरीके से। अशोक क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, खासतौर से महिला अधिकारी और दूसरे अधिकारी, जाके प्रियंका गांधी से उन्होंने बात की है और बार बार ये कह रहे हैं कि धारा 144 लगी है, हम आपको हाथरस नहीं जाने देंगे और अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बसों में छुड़वा सकते हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को जाने की अनुमति दी जाए अगर धारा 144 लगे, हम धारा 144 नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जाएगा, उनके परिवार से मिलेगा, लेकिन पुलिस इस बात को मान नहीं रही है। आप लोग क्या इनको अरेस्ट करेंगे? देखिए पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, तो ये स्थिति बनी हुई है। हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, जबकि वो जाने के लिए कह रहे हैं कि हम जाएंगे। ये हिरासत में लिया गया राहुल गांधी को या गिरफ्तार किया गया? गांधी से हिरासत में लेकर कहीं छोड़ा जाएगा या गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाएगा? शांति से मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूं। लाठीचार्ज भी आप 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार, ये मुझे बताइए क्या है सर? मैं बता रहा हूं सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ व्हिच हैज, कौन सा लॉ है? भैया शांत हो जाओ, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज शांत रहिए, थैंक यू। देखिए मैं, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली? वो सबको पता है सर, बताइए, उनको समझा देंगे, आपसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188? 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए क्या हो रहा है सर, ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के सर? नहीं नहीं सर, ये आपके लोग है सर, सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है, देश माफ नहीं करेगा आपको। तो इस वक्त की खबर ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों हिरासत में ले लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कांग्रेस के नेता हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ कई सारे कांग्रेस नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो अकेले जाने को तैयार हैं अगर प्रशासन धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दे रहा है। लेकिन उन दोनों को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों को हिरासत में ले लिया गया। अशोक सिंघल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उसी जगह जहां पर यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम इस समय चल रहा है। अशोक सिंघल बताइए, हिरासत में? नहीं नहीं, देखिए अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां मौजूद हैं और मेरे पीछे में दिखाएंगे मेरे कैमरामैन अश्विनी हेलन, यहां पे राहुल और प्रियंका दोनों मौजूद हैं और ये देख सकते हैं कि प्रियंका और राहुल दोनों यहां पे खड़े हुए हैं। अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन बातचीत की जा रही है पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा। लेकिन जो इनकी सुरक्षा सीआरपीएफ वाले, उन्होंने पूरा घेराबंदी की हुई है इन दोनों की, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बार बार यूपी पुलिस के इनको बोल रहे हैं धारा 144 लगी है, आप अगर इसको तोड़ेंगे तो ठीक नहीं है, हम आगे जाने की अनुमति नहीं देंगे। देख सकते हैं राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, रोहित मेरे कैमरामैन अश्विन हेलन आपको दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं प्रियंका राहुल, और पूरा घेरा बनाया हुआ है इनकी सुरक्षा ने। हम बात करने की कोशिश करेंगे पीएल पुनिया साहब से और बाकी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं कि अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन इनकी अपनी जो सुरक्षा है राहुल और प्रियंका की, उन्होंने घेरा डाला हुआ है। पुलिस के अधिकारी बार बार आकर के बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी बसें तैयार की जा रही हैं। रोहित देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि बसें तैयार की जा रही हैं,
बसें तैयार की जा रही है इनके लिए, और पुलिस ने पहले भी आगाह किया था कि आप लोगों के लिए बस तैयार की गई है, आप उनमें जाएं। बार बार पुलिस के अधिकारी जाकर के उनसे बात जरूर कर रहे हैं, उनको कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को जैसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों को अगर जाने दें धारा 144 नहीं टूटेगी पीसफुल तरीके से, वो सिर्फ दोनों लोग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक्शन यहाँ पे मौजूद है, राहुल प्रियंका अभी यहाँ पूरे घेरे के अंदर है। क्या गिरफ्तार किया गया राहुल? अभी रुक जाइए, अभी डिसीजन हो रहा है, अभी हिरासत में लिया है, हिरासत में तो नहीं, हिरासत में है, अभी हिरासत में, दोनों हिरासत में है। प्रियंका भी आगे नहीं जाने देंगे उनको? अभी हम लोग अभी उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास लेटर है डीएम हाथरा साहब का, वहाँ जाने पर एलओ की प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, दे आर कंसीडरिंग इट। पर वो कह रहे हैं दो लोग सिर्फ जा सकते हैं, दो को धारा 140 भी नहीं टूटेगी। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने कहा है कि आपको भी आपके सिक्योरिटी का इशू भी तो है, तो यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे आप? नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। देख सकते हैं रोहित पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हिरासत में लिया है, लेकिन उनकी अभी तक अपनी जो सुरक्षा है सीआरपीएफ वाले उनके घेरे में है, और आगे किसी तरीके से नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है अगर राहुल प्रियंका हाथरस की तरफ जाएंगे, इसलिए उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, वहीं पे राहुल और प्रियंका अपनी सुरक्षा के घेरे में है, और अभी अशोक दर्शकों को बता दें एक बार इस वक्त की बड़ी खबर ये कि राहुल और